तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है और एक नई वीडियो में। आज हम सीखेंगे कि हम अपना केएफसी का अकाउंट किस तरह से मोबाइल में से उसको डिलीट करेंगे परमानेंटली। तो यहाँ पे मेरे पास में केएफसी का एप्लीकेशन है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन जैसे ओपन होता है, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। अब तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में जो बेल का आइकन दिखाई दे रहा है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी ऐसे आने वाले हर एक वीडियो को आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये मेरा अकाउंट है, तो यहाँ पे नीचे में हमको पांच ऑप्शन मिलते हैं, तो हमें यहाँ पे अकाउंट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। ये देख सकते हैं मेरा अकाउंट है, तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे, अकाउंट सेटिंग्स बोल के आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए नीचे में एक ऑप्शन आया सेव के नीचे, डिलीट अकाउंट, तो हम इस पर डिलीट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ये आपको पूछेगा कि आप अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं, तो हमें डिलीट पे क्लिक करना है। तो यहाँ से हमारा अकाउंट डिलीट हो रहा है, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा अकाउंट यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से आप अपना केएफसी का अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।